कहें भाई साहब क्या कहें कितना इंपॉर्टेंट है व्हाट इज हैन पर्पल आपसे ये पूछा जाएगा ये हैन पर्पल क्या है ये हैन पर्पल तो हैन पर्पल क्या है आपको पता होना चाहिए हैन पर्पल साइंटिस्ट ने हैन पर्पल ढूंढा था जो 2800 साल पुराना एक पिगमेंट था है ना जिसमें क्वांटम प्रॉपर्टीज मिल रही थी मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं इसकी कैपेबिलिटीज जो कॉम्बाइंड एशियंट केमिकल मेथड था क्वांटम फिजिक्स का समझिए क्वांटम फिजिक्स जो आ जा रही है उसके ट्रेसेस हमें अट्ठाईस साल पहले भी मिल रहे हैं ठीक एंशियंट आर्ट वर्क ऑन द हान पर्पल आ चाइनीज सिंथेटिक कलर मेड अराउंड 2500 फाइव हंड्रेड एगो द क्विन एंड द हैंड डायनेस्टी यूज इट टू कलर सेरेमाइक्स म्यूरल्स एंड टेराकोटा कोटा वॉरियर्स ठीक तो ये हैंड पर्पल कहाँ से आए चाइना से कितना साल पुराना है 2500 साल पुराना है ज्यादा साल पुराना नहीं है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस हैंड पर्पल वॉज मेड बाय द ग्राइंडिंग एंड हीटिंग रॉ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर ग्राइंड करो फिर गर्म करो फिर ग्राउंड करो दिस मैनुफैक्चरिंग वॉज मिस्टीरियस अंटिल नाइनटीन नाइनटी टू वेन द केमिस्ट आइडेंटीफाइड कंपोजिशन एंशियंट मटेरियल साइंस एडवांस विद द हान पर्पल अ ब्रेक फ्रॉम नेचुरल कलर्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली केमिकल इंजीनियरिंग अब ये क्या है सबसे बड़ी बात है बानवे तक हमें ये नहीं पता था इसमें कौन सा केमिकल है बाद में बानवे में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया भैया इसमें ये मिला हुआ इसको आप कवर करिए तो इसको लोगों ने देखा इसके बाद सिंथेटिक ओरिजन हैंड पर्पल वॉज एन अर्ली सिंथेटिक ए इन ऑर्गेनिक कलर मेड फ्रॉम द बेरेब्रिम कॉपर है ना सिलिकेट हैंड पर्पल डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ठीक है किसका नाम था एलिजाबेथ फिट्स हंग इज अमिलर टू द इजिप्टन ब्ल्यू बट हैज अनिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डेट गिवस इट्स क्वालिटीज अब समझ लो इसके जैसा एक और है हैंड पर्पल की तरह क्या इजिप्टियन ब्लू बट इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर है ये इजिप्टियन ब्लू भी इन्हीं के जैसा था बट इसकी और इनकी प्रॉपर्टी हैंड पर्पल और इसकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिला है क्या मिला है हैंड पर्पल एमिट्स इंटेंस इंफ्रारेड रेड लाइट एंड चेंजेस इट्स बिहेवियर अंडर एक्सट्रीम कोल्ड एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड अब ये जो है हैंड पर्पल ये क्या करता है जब एक्सट्रीम हीट पड़ती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है इन्फ्रा रेड इसकी चेंजेस होती हैं इन्फ्रा रेड लाइट पर आता है तो अपने बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को बदल देता है रिसेंट रिसर्च ये चीज़ बताती है जो इजिप्टन ब्ल्यू नहीं कर सकता था क्वांटम प्रॉपर्टीज क्या होती है पीपल आर इंटरेस्टेड इन हार्न पर्पल क्वांटम क्रिटिक्स बिहेवियर अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज इट माई हेल्प एक्सप्लेन थिंग्स लाइक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी अब इससे क्या होता है जब टेम्परेचर में बदलता है तो क्या तो था हाई टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी होती है दिस मेक इज अ की टॉपिक ऑन गोइंग साइंटिस्ट स्टडीज दिस लुक्स इंटू नॉट ओनली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पिगमेंटेशन बट ऑल्सो अ पॉसिबल मीटिंग पॉइंट वेयर ओल्ड स्किल एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कुड कम टूगेदर भाई 2500 साल पहले वो टेक्नोलॉजी बनी जो हमें आज तक नहीं पता चली तो इन्होंने कहा भाई ये जो गर्मी लग रही है है ना ये बहुत अच्छे से कैमरा बंद हो गया ऐसा कुछ है तो क्या दुखी हो रहे होता थोड़ा ठीक तो यहाँ पर क्या है एंशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी साथ में मिलेंगी तब ये काम होगा ठीक है तो देखिए आज भी एंशियट चीजों को अगर हम जोड़ के देखें तो हमें लाभ मिलता है अगर हम जैसे हमारी कंट्री का आयरन पिलर है अगर उसके आयरन एलॉ को आज हम समझ जाएं, तो हम ऐसा लोहा बना देंगे जो कभी जंकी नहीं खाएगा तो स्टील की जरूरत नहीं सस्ता लोहा मिल गया हमको अगर आज हम समझ समझना लोहे की कढ़ाई में खाना क्यों बनाया जाता था तो, तो हम कहीं खरीदेंगे नहीं नॉन स्टिकी क्योंकि लोहे की कढ़ाई क्या करती है जब आप खाते हो तो आपकी आयरन की चीजों को पूरा कर देते जस्ते में कुछ चीजें क्यों बनाई जाती थी ऑक्साइड को पूरा कर देती थी अब हम किसी में नहीं खाते तो हमारे घुटने दर्द होते हैं पैर दर्द होते हैं नाकों नू हैं बाल झड़ते हैं ठीक है नाक दर्द होती है आंख दर्द होती है मुँह दर्द होती है ठीक है एलर्जीज होती हैं ये सब क्यों होती है होती? क्योंकि अब हम नेचुरल फूड खाना बंद कर चुके हैं अब हमने भी क्या किया एक